हाय दोस्त, अपना YouTube चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस। यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में SSC GD यूपी पुलिस लेखपाल चकबंदी लेखपाल अमीन यानी इंडियन आर्मी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं का मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में। वीडियो अंत तक देखें, अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल आपको ऊर्जावान बनाएगा। देखिए आज का मोटिवेशनल क्या है, सबसे ज्यादा काम करने में तभी मजा आता है जब लोग कहते हैं कि बस अब तेरे बस का नहीं है। यानी हमें ऐसी इतनी मेहनत करना है, जब हम मेहनत करते हैं तो उन्हें पड़ोसी यानी अगला आदमी क्या कहता है कि अब बस कर, तेरे बस का नहीं है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, वो जानता है कि अगर ये पढ़ रहा है इसे हमको क्या है, रास्ते से गुमराह करना है। हमें किसी के बातों पर नहीं ध्यान देना है, हमें अपने मंजिल तक पहुँचना है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करता। आज का पहला सवाल, क्या है? ए और बी ने क्रमशः 3,000 रुपए तथा 4,500 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 15,000 रुपए के लाभ में से बी का भाग पूछ रहा है। देखिए फिर से एक बार, क्या सवाल कह रहा है, ए और बी ने क्रमशः 3,000 रुपए तथा 4,500 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,500 रुपए के लाभ में से बी का भाग बताइए। अब देखिए क्या कह रहा है, बी का भाग बताना है हमें। देखिए हमने क्या किया, पहला नंबर हमने ए उतारा और क्या उतारा, बी उतारा, अनुपात लगा लिया। क्या लगाया, अनुपात। यानी क्या कह रहा है, ए और बी ने क्रमशः 3,000 रुपए, कितना 45,000 रुपए, हमने ए को 3,000 रुपए माना, बी को कितना माना 4,500 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वर्ष के यानी व्यापार आरंभ किया 2 वर्ष बाद, कितना कह रहा है 2 वर्ष बाद, यानी 1 महीने में कितना है, यानी 1 साल में कितना महीने होते हैं, 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने। हमने इसमें क्या किया, दोनों में 24 से गुणा कर लिया, कितने 24 से गुणा कर लिया। देखिए हमारा 24 से 24 कट रहा है, वर्ष वर्ष कट रहा है, हमने वर्ष काट दिया, यानी महीना महीना हमारा क्या मिल रहा है, दोनों तरफ हमने काट दिया। अब ये 2 से 2 0, ये 2 से 2 0 कटा, यानी 15 दुनिया 30, 15 3 45, कितना आ गया, 2 अनुपाते हमारा 3 आ गया। यानी ये है, ये बी है। क्या आप पूछ रहे हैं, बी का भाग बताइए, बी का भाग हमारे ये बी है, बी का मान कितना है, बी हमारा कितना है 3 है। फिर उसके बाद यानी बी का भाग पूछ रहे, यानी किसका, बी का भाग पूछ रहा है हमें, ये वर्ष के अंत में देखिए क्या है, 15,000 रुपए क्या हो रहा है, अब लाभ हो रहा है, हमने इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया 5 है। यानी इसे यानी ए को कितना माना 2 है, बी को कितना माना 3 है, यानी जोड़ लिया कितना आ गया 5 है। फिर उसके बाद लाभ कितना हो रहा है, कुल 1,500, कितना यानी 15,000 रुपए, 15 हमारा कितना आ गया 3,000, कितना ए बराबर कितना आ गया 3,000। अब देखिए किसका लाभ पूछ, चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, हमें आराम से निकाल लेना है। अगर एक यानी बी का पूछ रहे तो हमने क्या उतारा, यानी कितना है, बी का भाग पूछ रहा है, बी कितना है इसमें 3 है, 3 उतारा, कितना आया ए का मान 3,000, कितना आ गया ये 9,000, कितना आ गया 9,000। चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, हमें इसी तरह निकालना है, सवाल नंबर अगला है, राम श्याम तथा मोहन ने 2,000 रुपए 3,000 रुपए लगाकर तथा 3,000 रुपए तथा 4,000, इतना 4,000 रुपए लगाकर 4,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 44 यानी कितना है 14,400, कितना 14,400 रुपए का लाभ हो तो मोहन का लाभ बताइए। यानी देखिए क्या कह रहा है, हमने पहला नंबर यानी राम लिखा, श्याम लिखा, मोहन लिखा, ठीक। यानी पहले कितना 2,000 रुपए, हमने 2,000 रुपए लगाया राम ने, फिर क्या है श्याम ने 3,000 रुपए लगाया, फिर मोहन ने 4,000 रुपए लगाया, कितना 4,000 रुपए लगाया।
देखिए जीरो जीरो सब कट रहा है, जीरो जीरो से यानी अनुपात में सब कट रहा है, कितना आ गया, दो अनुपाते तीन अनुपाते चार, दो अनुपाते तीन अनुपाते चार। क्या कह रहे हैं, द्विवार्षिक के अंत में इतना 14,400 रुपए लाभ, हम क्या करना है सबको, हमको पहले लाभ निकालना है, कितना, ये दो है हमने इसे दो ए मान लिया, फिर तीन है तीन ए मान लिया, चार है तो हमने चार ए माना, लाभ कितना हो रहा है 14,000, कितना 400 यानी दो ए, यानी तीन दो पाँच, पाँच चार नौ ए आ गया, बराबर कितना 14,400 हमने काटा, नौ इकन्नम नौ, नौ इकन्नम नौ, कितना बचा पाँच, 54 हो गया, नौ छक्का 54 यानी ए का मान कितना आ गया 1600, ए का मान कितना आ गया 1600 आ गया। अब हमें देखना है किसका पूछ रहा है, मोहन का लाभ पूछ रहा है, हमें मोहन का निकाल लेना है, मोहन कितना हमने माना है, मोहन को हमने चार माना है, यानी चार ए, कितना माना है चार, हमने क्या किया चार हम ए से कितने किया 1600 से गुणा, हमने क्या कर लिया 16×64, घर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर घोड़े के नाल लगवाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए खुद के पैरों में घोड़े की नाल जैसी लगवानी पड़ती है, जाके अपने पड़ोसियों से कह दे शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे पर कुछ दिनों की बात है, अपने पड़ोसियों से जाकर कह देना कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है, पी ने 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा पांच महीने बाद क्यों भी उतनी ही पूंजी लगाकर साझेदार बन गया, तो वर्ष के अंत में 57,000 रुपए का लाभ हो तो पी तथा क्यों का लाभ बताइए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हमारा सवाल क्या कह रहा है, यदि पी और क्यों, हमने पी और कितना लिखा क्यों, यानी पी अनुपाते क्यों, देखिए क्या कह रहा है, पी ने 8,000 रुपए लगाकर, पी ने 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा पांच महीने बाद क्यों नहीं उतनी ही पूंजी लगाई जितना कितना पी ने लगाया, जितनी पूंजी पी ने लगाया, लिखा है क्यों ने उतनी ही पूंजी, क्यों ने उतनी ही पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी पांच महीने बाद उतनी ही पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, हमें सीधा से छोड़ देना है, जब उतनी ही पूंजी दोनों लगा रहे हैं, जब उतनी ही पूंजी अगर दोनों लगा रहे हैं तो हमें छोड़ देना है, सिर्फ हमें देखना है महीने, यानी कितने महीने बाद, अगर ये पांच महीने बाद कर रहा है कितना बचा, यानी पी ने कितना 12 महीना बचा, कितना एक वर्ष में 12 महीने होता है, यानी यहाँ क्या है महीने की बात, यानी पांच महीने बाद कौन लगा रहा है क्यों, जब पांच महीने बाद क्यों लगा रहा है, जब 12 में हम 5 घटा दें कितना महीने बचा 7 महीने बचा ना, यहाँ कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। अब देखिए दोनों को क्या है, वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है, दोनों को हमने जोड़ लिया, अगर ये 12 तो हमने 12 माना, ये 7 है तो हमने इसे 7 माना, बराबर कितना हो रहा है 5,700, उतार लिया 19 से बराबर कितना है 57, 19 त्रिका 57 ये बराबर कितना आ गया 300, ये बराबर कितना आ गया 300, पूछ रहा है पी और क्यू का लाभ बताइए, पी और क्यू का लाभ बताइए, हमने उतार लिया पी, पी कितना माना है 12 ए, यानी कितना 12 गुणते 300 कितना आ गया बढ़ती 3600 रुपए। अब अगला क्या निकालना है, क्यों का भी निकालना है, क्यों कितना माना है 7 है, यानी 7 गुणते कितना 3 आ गया कितना 7×2100 तन के मोहब्बत में तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मोह से लगाए बैठे हैं, तन के मोहब्बत में तपाए बैठे हैं, शर्त मोह से लगाए बैठे हैं, अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, अगर बेवफाई निकली तो कुछ काबिल बनाकर छोड़ेगी। अगला सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, एबीसी ने एक चारागाह किराए पर लिया, एबीसी ने एक चारागाह एक किराए पर लिया, ए ने अपनी 15 गाय, 4 महीनों के लिए, बी ने 16 गाय 5 महीनों के लिए, तथा सी ने अपने 30 गाय 3 महीनों के लिए चराते हैं, यदि कुल 6900 रुपए किराया हो तो बी का भाग बताइए, यानी क्या कह रहा है बी का हिस्सा बताइए। देखिए हमने क्या लिखा, पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी, क्या कह रहा है, यानी ए कितना कह रहा है, इन्हें अपनी 15 गाय 4 महीनों के लिए, हमने ए ने लिखा 15 गाय 4 महीने, फिर बी
यानी फिर भी क्या कह रहा है, 16 का है 5 महीनों के लिए, हमने लिखा 16 गुणते 4, फिर अनुपात लगाया। सी ने क्या कह रहा है, 30 गाय 3 महीनों के लिए, हमने 30 गाय 3 महीनों के लिए लिखा। यानी क्या कह रहा है ए, इन्हें क्या कह रहा है, 15 गाय 4 महीनों के लिए हमने 15 4 गुणा किया, फिर भी ने क्या कहा, 16 गाय 5 महीनों के लिए हमने 16 गुणते 4 किया, फिर से ने क्या कह रहा है, 30 गाय 3 महीनों के लिए हमने 30 गुणते 3 किया। अब ये क्या कह रहा है, यानी 15 चौका 60 आ गया अनुपात, ये कितना है 16, यानी 5 है, यहाँ कितना है 5, 16 पंजे 80 आ गया, फिर अनुपात 30 तिहाई 90, अनुपात में 0 से 0 हमने काट दिया, यहाँ पे कितना है 6 8, कितना है 9। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, बी का भाव यदि वर्ष के, यानी कुल रुपए, हमारा कुल रुपए कितना दिया है 69 रुपए किराया है, तो यहाँ पे 6 है, हमने 6 ए माना, फिर प्लस कितना 8 है, तो हमने 8 ए माना, फिर प्लस 9 है, तो हमने 9 ए माना। यानी एक के स्थान पे आप कुछ भी मान, एक सवाई जल कुछ भी मान सकते हो, ठीक। अगला देखिए, अब क्या कितना किराया इसका 6900 रुपए, कितना है 6900 रुपए, यानी कितना हो गया 8 6 14, 14 मनो जोड़ा कितना आ गया 23 है, बराबर कितना है 69, कितना है 6900 रुपए कट रहा है, 23 दिया कितना होता है 69, यानी ए बराबर कितना आ गया 300, ए बराबर कितना आ गया 300, किसका भाग पूछ रहा है, बी का भाग पूछ रहा है ना, बी का कितना आया है 8, यानी हमने कितना माना है बी को, कितना माना है 8 है, यानी 8 गुणते कितना, ए का मान कितना है 300, कितना आ गया 8 1 24, यानी जिसका पूछा हमें उसी का निकाल लेना है। सवाल नंबर अगला नंबर हमारा क्या है, अगला सवाल नंबर PQR किसी व्यापार में इस प्रकार पूंजी लगाते हैं कि P का भाग बटे Q का भाग बराबर Q का भाग बटे R का भाग बराबर 2/3 है, यदि वर्ष के अंत में 7600 रुपए का लाभ हो तो P का भाग बताइए, यानी P का भाग बताइए। कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे बैठे, न संगर न तकलीफ क्या खान मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। भाइयों अब देखिए हमारा सवाल क्या, जब आप संघर्ष मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमारा सवाल नंबर क्या कह रहा है, तथा पी क्यू आर, यहाँ पे देखिए पी का भाग बटे क्यू का भाग, हमने पी बटे क्यू उतारा बराबर, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यू का भाग बटे क्यू का भाग, यानी क्यू का भाग बटे आर का भाग, हमने क्यू बटे आर उतारा, कितना उतारा क्यू बटे आर उतारा, फिर बराबर कितना दिया है 2/3, इसका मतलब कि पी बटे क्यू बराबर भी 2/3 है, क्यू बटे आर बराबर भी 2/3, यानी ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, हमने अनुपात बना लिया। जब बी बटे मो, जैसे ए बटे बी हो, इसका मतलब होता है ए अनुपात बी, इसका मतलब होता है ए अनुपात बी, पी बटे क्यू इसका मतलब होता है पी अनुपात क्यू, फिर देखिए क्यों आ दिया, हमने यहाँ पे क्या उतारा क्यों और आर उतारा, फिर बराबर कितना 2/3, कितना उतार लिया हमने 2/3, फिर इसका कितना उतारा 2/3, हमने इसे अनुपात इसका निकाल लिया। पी है पी उतारा, क्यों कॉमन है तो हमने क्यों उतार लिया, आर है तो हमने आर उतारा, दो इसका दो में दो गुणा कर दो दुनिया 4, दो तिहाई 6 3 3 9, देखिए हमारा ये क्या आ गया अनुपात है कि पी क्यू आर का अनुपात, क्या कर रहा है, दीवार से की अंत में 7600 रुपए का लाभ हो तो ए का भाग बताइए, या दीवार से की अंत में 7600 रुपए का लाभ हो तो पी का भाग बताइए। देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कितना है 4, हमने इसे 4 ए माना, फिर प्लस कितना है 6, यानी अनुपात 6 है, हमने इसे 6 ए माना, फिर प्लस ये कितना है 9, हम इसे कितना माना 9 ए, और कितना लाभ हो रहा है 7600 रुपए का, कितना हो रहा है लाभ, हमने जोड़ लिया 6 4 10 10 9 19, ए बराबर कितना है 7600, 19 4 76, कितना आ गया ए बराबर, कितना आ गया 400, ए बराबर कितना आ गया हमारा 400 आ गया। किसका भाग पूछ रहा है, पी का भाग पूछ रहा है, किसका पी का भाग पूछ रहा है, हमने उतारा, यानी पी का कितना माना है 4 ए, हमने 4 ए उतारा, बराबर 4 गुणते, यहाँ पे ए है, ए का मान कितना है 400, कितना आ गया 1600, कितना आ गया 1600। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। हाय दोस्त, अगर वीडियो समझ ना आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद जय भारत।